हेलो वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। आज गाइज हम लोग आ चुके हैं एक और पोकेमॉन कार्ड ओपनिंग वीडियो में, जहां पे गाइज आज हम लोग खोलने वाले हैं मैचलेस फाइटर्स। ये गाइज पोकेमॉन जापानीज कलेक्शन में सबसे लेटेस्ट सेट है और लाइक आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही आया है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है। और जैसे ही आया था वैसे ही मैंने ऑर्डर कर दिया था अमेजोन जापान से, थोड़े देर से मेरे पास रखा हुआ है ये और आज मैंने सोचा क्यों ना खोल लिया जाए। सो गाइज या वी आर गोना ओपन मैचलेस फाइटर्स और इसके अंदर से कुछ कुछ कार्ड्स हैं जो कि बहुत ही ऑसम लगते हैं। और वैसे इसकी जो परचेस लिंक है अमेजोन जापान वेबसाइट की, अमेजोन इंडिया नहीं है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं अगर खरीदना तो खरीद लेना। ओके खुल तो भाई गया है। एक्चुअली यार पता है अच्छा होगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि बॉक्स असली है या नकली, अगर तुम्हें असली पोकन कार्ड्स मिल रहे हैं नहीं, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो चलो गाइस थोड़े से स्टेप्स होते हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ भाई, फिर हम लोग कार्ड ओपनिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि भाई एक तो सेट तुम देख लो भाई कैसे दिखता है इंटरनेट पर, तुम्हें सब जगह दिख ही जाता है। ऊपर से भाई ये जो फैक्ट्री पैकिंग होती है वो होनी चाहिए। ओके यहाँ पे बारकोड होना चाहिए, यहाँ पे बारकोड जैसे कि तुम देख सकते हो है। और अगर लाइक ये पैकिंग नहीं है यहाँ पे, बस लाइक बक्सा तुम्हें मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा रेड फ्लैग हो जाता है, थोड़ा लाइक ऐसा शक होता है कि क्या पता उसने कुछ पैक्स निकाल लिए हों, यू नेवर नो। बट या देयर इट इज़। अगर तुम लोगों ने मेरी सीरीज देखी तो तुम्हें पता होगा कि स्वॉर्ड एंड शील्ड में गैलारियन वर्जन हैं तीनों बर्ड्स के, तो गैलारियन, मोल्ट्रेस, ज़ैप्टॉस और आर्टिकूनो, तो इनके भाई बहुत सही सही कार्ड्स हमें मिलते हैं। और ऊपर से भाई स्लोकिंग और ब्लेजिकिन के बहुत ही सही कार्ड्स हैं इसमें। आई डोंट थिंक इसमें कोई चार्जार्ड का कार्ड है, बट यू नो वॉट दैट डजेंट रियली मैटर। ओ माई गॉड दिस पैक कितना हार्ड है भाई इसको खोलना यार, फाइनली पूरा दम लग गया भाई इसको खोलने में। इसको हम ऐसे पीछे कर देते हैं, इससे हम लोग इसको ऐसे लगा पाए, एंड दे वी गो। ओके तो इसमें ऐसा कुछ बार कोड आता है, नॉट वेरी श्योर किस लिए भाई काम आएगा ये, बट या देर आर पैक्स गाइस। तो हम लोग इनको सबको निकाल लेते हैं। ओ माई गॉड नो दिस इज़ नॉट गुड। ओ चलो ये यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, पर अच्छी बात ये है कि लाइक कार्ड्स को कुछ नहीं हुआ है। ओके गाइस हियर वी गो, स्कॉलीपीड, स्वालिक्स, ब्रेवरी जो भी है, एंड फाफिस्ट, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट अ ब्लेजिकन वी कार्ड। ओ माई गॉड, तो गाइस इसमें जो ब्लेजिकन वाले कार्ड्स हैं यार वो बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं। तो एक तो ये नॉर्मल वाला वी हो गया, इसके अलावा लाइक आई थिंक 2 और ब्लेजिकन के वी कार्ड्स हैं ऑल्टरनेट आर्ट्स, तो वो भी बहुत सही लगते हैं। पर क्या बात है यार, ये देख रहे हो आँख भी चमक रही है भाई इसकी, तो भाई ब्लेजिकन के कार्ड्स बहुत ही ऑसम है इस वाले पैक में। तो हम लोग इनको ज़रा सिक्योर कर लेते हैं। एक्चुअली पता है मैंने एक पैक खोला है जिसकी वीडियो कुछ टाइम बाद आने वाली है, पर उसमें से हमें इतने कार्ड निकले कि देखो मेरी पेनी सीरीज भाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। सो वो भी कार्ड ओपनिंग जल्दी आएगी, वो एक्चुअली हमारी अभी तक की सबसे बेस्ट कार्ड ओपनिंग है। सो अगर तुम एक्साइटेड हो भाई ज़रूर बताना मुझे। ये जापनीज वाली पैक है एक्चुअली वो, पर ऑसम था भाई, ऑसम था सही में। सो देवी को गाइस ब्लेजिकन वी हमें मिल चुका है, लुक्स अमेजोइंग। इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। एक्चुअली पता है मैंने ये मंगाया था, तो इसके अंदर हम लोग एक्चुअली ऐसे रख सकते हैं कार्ड, हम लोग ऐसे शोकेस करने के लिए रख सकते हैं। नाइस यार हमें पहले वाले पैक में ही गाइस ब्लेजिकन वी मिल गया। ओके लुक्स लाइक हमारा लक अच्छा चल रहा है गाइस, हमें मस्त कार्ड्स मिलने वाले हैं लग रहे हैं। लेट्स कीप गोइंग देन बॉय। क्या मिला है हमें, हॉर्न मिला है कुछ तो भोपू टाइप का, एंड वी हैव गॉट वीडल। ओ वीट वॉट यहाँ पे वोलीपीड भाई पुलअप्स कर रहा है और यहाँ पे ये नीचे एक्सरसाइज कर रहा है भाई, क्या बात है। हेयर अक्रॉस नॉइस वॉल के रो नाइस यार, मस्त लग रहा है भाई कार्ड। फिर से हमें फायरफिश मिलाया है, एंड वी हैव गॉट स्कॉलीपीड अगेन। बट यार ये वाला कार्ड अच्छा था, ये वाला कॉमन कार्ड है, लाइक कॉमन ही है कार्ड, तो ये वाला एक्चुअली अनकॉमन कार्ड है, हमें 2 बार मिल चुका है अनकॉमन कार्ड। कॉमन हो के भी कितना मस्त लग रहा है कार्ड। और यहाँ पे गाइस तुम देख सकते हो इचिगेकी लिखा हुआ है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो रेनगेकी लिखा हुआ है। तो इचिगेकी का मतलब है सिंगल स्ट्राइक स्टाइल, और रेनगेकी का मतलब है रैपिड स्ट्राइक स्टाइल। तो तुमको पता होगा भाई, तुम्हें याद होगा मैंने जब खेला था भाई गेम, तो वहाँ पे 2 टावर होते हैं, टावर ऑफ डार्कनेस और टावर ऑफ वाटर्स, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था उसका। तो टावर ऑफ डार्कनेस में अगर तुम जाओगे तो तुम सिंगल स्ट्राइक स्टाइल सीखोगे, और टावर ऑफ वाटर में अगर तुम जाओगे जिसमें आई थिंक FFG गए थे, तो उसमें तुम सीखोगे लाइक रैपिड स्ट्राइक स्टाइल। तो ऐसे ही भाई इसमें भी है, मैंने पीछे भाई देखा लाइक शायद से कोई हॉलो कार्ड है, आई एम प्रीटी श्योर हॉलो कार्ड है। ओ माई गॉड भाई सॉबल यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है भाई तगड़ी वाली। ओ माई गॉड मैन, इससे मेरे को नारूटो की याद आ गई यार, नारूटो में एक्चुअली एक ट्रेनिंग थी ऐसी, पर भाई ये बहुत ही सही लग रहा है भाई। सॉबल बेचारा रो रहा है यार, रो रहा है पर फिर भी डटा हुआ है भाई, बहुत ही बढ़िया सॉबल, लगे रहे तू लगे रहे। एंड वी हैव गॉट हैटेना जो भी है, एंड यमास्क, ग्लारियन यमास्क, एंड वी हैव गॉट, व्हाट इज दिस गर्ल्स नेम, हैटरीन, या हैटरीन श्योर, आई
आई एम श्योर इट इज हैड्रीन, बट हमें मिला एक इस हैड्रीन का होलो कार्ड. नाइस नाइस. तो ऑफकोर्स तुम सब जानते हो भाई, मैंने इतने सारी जापनीज पैक्स ओपन कर रखे हैं, ऑफकोर्स भाई अच्छे कार्ड्स ही निकलते हैं. मैंने कुछ दिनों पहले भाई एक्चुअली खोला था इसको यार. एक्चुअली हॉलोस को मैं काम करता हूँ, हॉलोस के लिए मैं अलग से रख देता हूँ, हॉलोस को मैं रखूँगा इसके ऊपर. या दैट वुड लुक गुड. तो मैंने कुछ दिनों पहले भाई खोला था इलीट ट्रेनर बॉक्स और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया, पर तुम लोग के भाई कॉमेंट्स आ रहे थे कि ओ रेशभ कलर आज अच्छा नहीं है. आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट मैन. लाइक मुझे खोलने में भाई बड़ा मज़ा आया उसको, और मुझे लगता है कि मुझे और इली ट्रेनर बॉक्सेस मंगाने चाहिए. मज़ा आया भाई उसको खोलने में. पर ऑफकोर्स मैं डार्कनेस सबलेस का फिर से नहीं मंगाऊंगा गाइस, उसको मंगाने को कोई फ़ायदा नहीं है. ये वो वाला ट्री है ना जिससे हमें फ्रूट मिलता है यार. ये क्राउन ऑफ टुंड्रा वाला ट्री है गाइस. इसका नाम मैं भूल चुका हूँ. डायनामैक्स ट्री है इसका नाम. आई थिंक सो उसका नाम डायनामैक्स ट्री है. बहुत ही बढ़िया. वी हैव गॉट लैंटर्न, वी हैव गॉट स्कॉलीपीड, एंड वी हैव गॉट वॉट डेली बर्ड. ओके इसका नाम भूल जाता हूँ मैं. एंड रेनिक्यूलस गैलारियन रेनिक्लूस रेनिक्लूस जो भी है इसका नाम. दिस स्काई लुक्स ग्रेट. और इसको भाई इवॉल्व करने में बहुत गंदी लग जाती है भाई गेम में. इसको इवॉल्व करने का बहुत ही अजीब तरीका रहता है एक्चुअली स्वर्ण शील्ड में. आई रिमेंबर वन. चलो वी हैव गॉट वन मोर हॉलो कार्ड. नॉइस नॉइस नॉइस. डेड पैक्स एक्चुअली ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे पैक्स ही ज़्यादा निकल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ओके व्हाट हैव वी गॉट नाउ. आई थिंक दिस इज लिलीगेंट. भाई क्या बात है यार, लिलीगेंट कितनी प्यारी लग रही है बीच पर ऐसे घूमते हुए. नाइस लिलीगेंट, यू लुक कूल. नॉइस नॉइस नॉइस. वी हैव गॉट गाइस रॉग एंड रोला. अरे रॉग एंड रोला कहीं ऐसा लग रहा है ये स्केच गाइस, तुम ध्यान से देखो ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने बनाया है. नहीं लग रहा है ऐसा? ऐसा लग रहा है भाई किसी बच्चे ने बनाया है. क्या बात है. और यहाँ पे पीछे उसकी केव है, बहुत ही मस्त. वी हैव गॉट वॉल्केनारो, वी हैव गॉट वूमैट, एंड लास्टली हमें मिला है भाई ये बंदा. इसका नाम क्या था? मैंने बहुत एक्शन वाई खेला है. मुझे स्टाउटलैंड, यार वही मैं बोल रहा था, मैंने बहुत एक्शन वाई खेला है. अगर मुझे इसका नाम याद नहीं रहा तो शेम ऑन मी मैन, बट दिस इज एन अनकॉमन कार्ड आई गेस. यहाँ पे देखो तुम यू बना हुआ है, तो ये एक अनकॉमन कार्ड है विच लुक्स ग्रेट एक्चुअली. स्नोफॉल वगैरह हो रही है पीछे और स्टाउटलैंड अपना जलवा दिखा रहे भाई स्नो में. ये हमें कोई सर तो ट्रेनर कार्ड मिला है. इस लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, पर इसमें नाम इसका कैरिन है तो मैं इसको कैरिन बुलाऊंगा. करीन लिखा है पर कैरिन आई थिंक इसका नाम होगा. इची केकी वाला कार्ड है. देन वी हैव गॉट पेटिलिल, देन वी हैव गॉट कपचू बुला रहा हूँ मैं इसको, कपफू. नॉइस नॉइस. कैरवाना एंड ओ कितना ही ऑसम लग रहा है भाई ये कार्ड यार. ये बैटल टावर वाला कार्ड लग रहा है गाइस. इचिगे की ये एक्चुअली वो अर्शिफू है जो हम लोग को गेम में मिला था. हम लोगों ने भाई डार्क वाले टावर में भाई ट्रेनिंग करवाई थी एंड वी हैव गॉट द सिंगल स्ट्राइक अर्शिफू. लुक्स अमेजिंग यार. तो हमें सिंगल स्ट्राइक वाला तो मिल चुका है. आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें रैपिड स्ट्राइक वाला भी हमें साथ में मिल सकता है कि नहीं, बट क्या पता मिल जाए. यू नेवर नो मैन, यू नेवर नो. और बाय द वे मैं अपनी वाली स्लीव्स इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ डार्कनेस अप्लेस वाली, क्योंकि मैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैन. के देयर वी गो नेक्स्ट वन गाइस. इसको एक्चुअली मैं ऐसे ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भाई दिख गया था कि पीछे कुछ नहीं है ऐसा खास. ओ यार एक्चुअली ये कार्ड कितना बढ़िया लग रहा है यार. इस पोकन का नाम कुछ तो जी से होता है भाई. जैंगूस होता है क्या इसका नाम? आई एम नॉट वेरी श्योर मैन. पर हमें शार्पीडो मिला है, जैंगूस मिला है, हमें हैरक्रॉस मिला है यार. एक्चुअली इस वाले में कार्ड्स हमें वो वाले मिले जो कि हमें किसी और पैक में नहीं मिले यार. क्या बात है, हैरक्रॉस बहुत ही सही लग रहा है. हमें मिला है भाई पैसिमियन और साथ ही साथ भाई इसके साथ सॉबल बैठा हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई. एंड वी हैव गॉट गीगालिथ. ओ माय गॉड दिस गाय लुक्स कूल. हाइपर बीम भाई मार रहा है, क्या बात है, ऑसम मैन. इस वाले में कार्ड्स अच्छे थे. आई थिंक ज़्यादातर अनकॉमन कार्ड्स थे क्या इसमें? नहीं, एक ही दो अनकॉमन कार्ड से गाइस इसमें, एक तो गीगलिथ वाला और एक शार्पीडो वाला. नाइस यार. यार मैं एक्चुअली आज कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ, पर मुझे यार थोड़ा आराम आराम से कार्ड्स खुले मज़ा आता है. कुछ दिनों से मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, पर यू नो व्हाट, मेरे को सब कुछ लाइक आराम से पढ़ने में और देखने में मज़ा आता है. तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बता देना मुझे, मैं थोड़ा बात करने का कम ट्राई करूँगा. ओके वी हैव गॉट लैंटर्न, वी हैव गॉट लार्वेस्टा, वीडल, बुलडोर. ओ हमें गाइस मिला है स्लो किंग वी मैक्स. ये तुम शाइन देख रहे हो, तुम शाइन देखो बस यार, क्या बात है. नाइस इचिगे की सिंगल स्ट्राइक स्टाइल है इसका. इसको मैं ध्यान से भाई इसके अंदर लगा देता हूँ. मैं ज़्यादा लाइक फिंगरप्रिंट्स मैंने नहीं लगाए हैं, आई थिंक दो ही बार मैंने एक्चुअली सर्फेस को टच किया है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. क्या बात है यार, वी हैव गॉट अ गुड वन. इसको हम लोग वी के साथ ही रख दें क्या?
या एक्चुअली इसके लिए अलग सा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत है भाई, बहुत ही सही लग रहा है आज की कार्ड ओपनिंग गाइस, एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। मुझे लग रहा है मुझे एक और कई स्मैचलेस फाइटर्स तो मंगाना पड़ेगा यार, मतलब काफी सही सही कार्ड निकल रहे हैं। ओके नाउ वी हैव गॉट ए फोकस, कम ऑन, ओके वी हैव गॉट स्लर्प ऑफ, वी हैव गॉट पैशमियन, ब्रेवरी, हेराक्रॉस एंड ओ शेमिन हॉलो है इस पैक में। आई हैड नो क्लू उसमें शेमिन हॉलो है, पर मेरे को इतना याद है मुझे शेमिन का हॉलो पहले भी शायद से मिल चुका है यार, शायद मुझे मिल चुका है, और वो लाइक मुझे मिल चुका है पर वो वीडियो एक्चुअली नहीं आई है तो तुम्हें नहीं पता होगा, बट या मुझे एक्चुअली शेमिन का हॉलो मिल चुका है। क्या बात है, हमें दूसरी बार मिल रहे हैं यार, दूसरे पैक में से वो भी, तो इसका डिज़ाइन अलग है और जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अलग है यार। वो वाली वीडियो डालने के लिए एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पर मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, एक मुझे स्पेशल वीडियो डालनी है भाई 500K की, उसके बाद गाइस मैं डालूंगा उसको, तो उसके लिए थोड़ा सा रुको गाइस। ये हमें मिला है, इसका नाम क्या है भाई, इनका नाम मैं भूल जाता हूँ, लेट्स जस्ट लीव देम। वी हैव गॉट रफलेट टेंट कूल एंड वी हैव गॉट चिनचाओ एंड वी हैव गॉट ड्रिजल। ओके नॉइस, अनकॉमन कार्ड है ड्रिजल का, ये नॉइस नॉइस। ओके ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी तो गाइस हम लोगों ने अपने 15 भी खत्म नहीं किए हैं यार, मैं कितना स्लो जा रहा हूँ गाइस आज। गाइस आई थिंक मेरे को इस वीडियो को दो पार्ट्स में करना पड़ेगा, आई होप यू गाइस डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, और चिंता मत करो गाइस कल सुबह 10 बजे ही भाई दूसरा पार्ट आ जाएगा इस वीडियो का। अभी मैं 15 ही खोलने वाला हूँ और बाकी के 15 हम लोग कल खोलेंगे गाइस, आई एम सॉरी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, बट या सो वी हैव गॉट क्राफ्टी, इसका भाई आर्ट काफ़ी अजीब सा है। वी हैव गॉट वर्ली पीड, वी हैव गॉट डकलेट, वी हैव गॉट, इसको मैंने डकलेट बोला, सॉरी डिगलेट, ओ माय गॉड मैन, डकलेट और डिगलेट टोटली डिफरेंट पोकेमॉन। वी हैव गॉट अ लिल लिली पप ब्रो, लिल क्यूटी पाई, ओ माय गॉड व्हाट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू गेट अ रेनबो रेयर ट्रेनर। भाई रेनबो रेयर ट्रेनर्स की वैल्यू बहुत ही सही होती है यार, इसकी वैल्यू गाइस मुझे एक्चुअली देखनी पड़ेगी, आई एम प्रीटी श्योर भाई इसकी वैल्यू लाइक $30 से ऊपर होनी चाहिए भाई, हाइपर रेयर कार्ड है, यहाँ पर तुम देख सकते हो नीचे हाइपर रेयर, या फिर तुम इंग्लिश में अगर बोलो तो रेनबो रेयर कार्ड है इसको भाई, मैं सरफेस पर बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहता हूँ यार, इसकी वैल्यू गिर सकती है भाई अगर मेरे फिंगरप्रिंट्स पर लग गए तो। देयर यू लिटिल गर्ल, कैरिन का हमें नॉर्मल कार्ड मिला था ना अभी, हमें भाई कैरिन का रेनबो रेयर कार्ड मिल चुका है यार, ओ माई गॉड। ओके मैं टॉप लोडर भी भाई कर रहा हूँ अभी के अभी, इसको मैं बिल्कुल भी भाई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। देयर वी गो, ओके भाई साहब कैरिन का रेनबो रेयर कार्ड गाइस, ओ भाई साहब उफ मैन उफ उफ, दिस कार्ड इज ओपी, इसको मैं गाइस यहां पर रख देता हूँ। ओके तो आई डोंट नो व्हाई बट इस कार्ड की प्रॉपर प्राइस मुझे नहीं पता चल पा रही है एक जगह पे, पर ईबे पे एक बंदा है जिसने अभी इस कार्ड को $40 का बेचा है और उसके कार्ड की हल्की सी सेंटरिंग खराब है, तो आई थिंक मेरा कार्ड की सेंटरिंग सही है, आई वुड सपोज सो, मेरे को तो सही लग रही है भाई, तुम बताओ मुझे यार कि कैसी है भाई। यहाँ पे देखो ये और ये, आई थिंक सेंटरिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके आई थिंक ऊपर से हल्का सा भाई कम है और नीचे से हल्का सा ज़्यादा है, बट दैट इंट अ प्रॉब्लम, पीछे से भाई मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। आई थिंक दिस कार्ड इज वेल वर्थ $50 or $60 मैन, इट शुड बी, इट हैज़ टू बी वर्थ दैट मच अगर मैं इसको ग्रेड कराऊँ तो। अभी तो भाई आई थिंक इसकी रॉ वैल्यू भाई $40 तो कम से कम होनी चाहिए, बट डैम दिस कार्ड लुक्स गुड यार। पोकेमॉन वाइफूज ब्रो, वाइफूज आर वर्थ एवरीथिंग, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि वाइफूज के लिए भाई पागल हो जाते हैं, तो शायद वो पैसे दें अच्छे खासे इसके लिए। ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू सेल इट मैन, मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस प्राइस देखता हूँ कि कितनी है, मेरे को इतना बढ़िया कार्ड मिला है मैं क्यों सेल करूँगा भाई, पागल थोड़ा हूँ मैं, पर बाई चांस अभी कभी लाइक मेरे को लगे कि ओके श्योर आई वॉन्ट टू सेल इट तो मैं सेल कर दूंगा, पर अभी तो भाई आई वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। ओके वी हैव गॉट स्लर्प ऑफ अगेन, I still can't believe मुझे वैसे वो कार्ड मिला है गाइस। ओके और भी अच्छे कार्ड्स हमें मिल सकते हैं अभी भी बहुत अच्छी अनबॉक्सिंग हो सकती है, कई बार भाई दो सीक्रेट रेयर्स निकल जाते हैं, सो क्या पता हमें अभी और एक और सीक्रेट रेयर निकलने वाला हो हमारा, पता नहीं। वी हैव गॉट स्क्रैगी, हमें मिला है फार्फेस्ट एंड वी हैव गॉट दिस गाय, इसका नाम क्या था, लिली पप हर्डियर और शाउटेंड। ओके तो हर्डियर हमें मिला है एंड वी हैव गॉट गिलारियन सरफेस्ट सिंगल स्ट्राइक स्टाइल औसम। ओके तो हमें एक तो ये लेडी मिली है जो कि आई थिंक गेम में आती है, पोकेमॉन शील्ड में आती होगी, स्वॉर्ड में तो मैंने इसको नहीं देखा, स्वॉर्ड में दूसरी वाली आई थी। देन वी हैव गॉट करवाना, व्हाट इज दिस कॉल्ड, पेटिलिल हैटिना, ओ
ओके, ड्रेकोजोल्ट वी हमें मिला है। ड्रेकोजोल्ट वी मुझे दूसरी बार मिल रहा है, मुझे ऑलरेडी एक पैक में मिल चुका है। और यार उसमें तो मुझे एक्चुअली काफ़ी सारे कार्ड्स मिले थे, और उसमें जो मिले थे ना वो इसमें भी मुझे मिल रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आई विल टेक अ वी कार्ड एनी डे बॉय। ऑन टू द नेक्स्ट वन पीपल, लेट्स कीप गोइंग। ओके, वी हैव गॉट डक्ट्रियो, नाइस। यहाँ पे क्या इनकी आत्मा निकल रही है क्या? अबे क्या है ये क्या है भाई? या फिर आई थिंक रैपिड स्ट्राइक स्टाइल कर रहे हैं ना, तो फिर लाइक ऐसे जल्दी जल्दी में वो शेडो सी दिखती है ना, वो हो रहा है। यू गॉट रॉगिन रोला, वी हैव गॉट व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस गाय, जेसी के पास था ये सवाइपर। ओके, आई स्टिल रिमेंबर इट। एंड वी हैव गॉट टेंटाकूल एंड टेंटाक्रूल। ओ माई गॉड, दोनों एवोल्यूशंस एक ही पैक में, ऐसा कैसे हो गया ब्रो? हमारे पास दो और बचे हैं, इनको भी ज़रा खोल के देख लिया जाए कि भाई क्या निकल रहा है इसमें से भी, और देखते हैं। ओके, चेस्ट प्लेट हमें मिली है, इसको आई थिंक बोलते हैं गैलेरियन चेस्ट प्लेट इन द इंग्लिश वर्जन। वी हैव गॉट वूबैट, वी हैव गॉट दिस गाय कपफू, लैंटर्न, एंड ओ ओ ओ ओ ओ ओ गाइस, हमें एक बर्ड मिल चुकी है गाइस, गैलेरियन बर्ड हमें मिल चुकी है, क्या बात है। सो वी हैव गॉट आर्टिकूनो, गैलेरियन आर्टिकूनो। वी गैलेरियन आर्टिकूनो को पकड़ने में कितनी दिक्कत हुई थी तुम्हें याद है? लाइक ये ऐसा कुछ मैजिक ट्रिक वगैरह यूज करता है। अगर किसी ने भाई मेरी सीरीज देखी है ना भाई, पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड वाली, तो उसको याद होगा कि भाई क्या दिक्कत आती भाई इसको पकड़ने में, सही में पागल सा बंदा है भाई ये। बट ओके, इट ऑल कम्स डाउन टू दिस वन सिंगल पैक गाइस। हमें ऑलरेडी लाइक इतने मस्त मस्त कार्ड्स मिल चुके हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ, बट या 15 पैक्स में से गाइस निकल चुके हैं इतने सारे मस्त मस्त कार्ड्स, विच इज अमेजिंग। ओके, देयर वी गो, कम ऑन, गिव मी अ वी मैक्स बॉय। ओके, वी हैव गॉट ब्रॉली, जो कि आई थिंक लाइक पोकेमॉन ओमेगा, अरे हो जा भाई, पोकेमॉन ओमेगा रूबी और अल्फा सफायर में से ये बंदा है, फाइटिंग टाइप जिम लीडर। वी हैव गॉट डेली बर्ड, लार्वेस्टा एंड चिंचाओ, स्पिरिटूम। ओ ओके, स्पिरिटूम आज हमें पहली बार मिल रहा है, एक्चुअली अनकॉमन कार्ड है ये। बट ओके गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। तो गाइज आज हमें मिले हैं ये ऑसम कार्ड्स, ये देखो इतने सारे हमें ऑसम कार्ड्स मिले हैं गाइस, पर कल हमें और भी ज़्यादा ऑसम कार्ड्स मिल सकते हैं। तो कल भाई ज़रूर आना, 10 बजे भाई वीडियो आ जाएगी इसकी, और 15 पैक गाइस और बचे हुए हैं, इतने सारे पैक गाइस एक्चुअली और बचे हुए हैं, तो इनको भी हमें खोलना है, और इनको हम खोलेंगे कल। तो कल तुम्हारा इंतजार रहेगा भाई हमें, प्लीज़ आ जाना भाई, तुम्हें इन्विटेशन मिल चुका है। बट गाइस, थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।